नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग करो। दोस्तों आइए, हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि रेडमी का Note 9 है। इसमें आपका प्रॉब्लम है कि इसमें फोल्डर में कुछ भी शो नहीं हो रहा। स्टूडेंट जो हमारे पास लाए हैं उनका कहना है कि जैसे उन्होंने ये सेट ओनली फोल्डर के लिए आया था, जैसे उन्होंने इसमें फोल्डर लगाया है उसके बाद वन टाइम इसमें ग्राफिक्स और लाइट दिखा है, उसके बाद इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। उन्होंने कई सारे फोल्डर इसमें लगा के देख लिए। तो देखते हैं कि इस टाइप के फॉल्ट में हमको क्या चेक करना होता है। सबसे पहले हम इसका Step 1 ग्राफिक चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, तब भी आप समझ पाएंगे। और हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसकी जानकारी कि 5 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका जो फीस है वो मात्र आपका यहाँ पर 14,000 आपका केवल फीस है, क्योंकि ये हमारा बर्थडे ऑफर है। हमारा नेक्स्ट मंथ में बर्थडे है, वो उसके लिए आपका ये ऑफर है। जो कोर्स आपका 20,000 में होता था वो अब आपका 14,000 में हो रहा है। इसमें आपका रहना भी फ्री है नवंबर के महीने में यदि आप बुकिंग कराते हैं। और इसमें आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस आपका MMC प्रोग्रामिंग, मतलब फुल कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आपका इसकी जो लास्ट बुकिंग है वो आप 25 अक्टूबर तक लास्ट सीट को बुक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारा किसी वजह से ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते और आप ऑनलाइन क्लास के आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास हर महीने की 25 तारीख से 1 तारीख तक आपकी बुकिंग होती है और 1 तारीख से हमारा प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप 25 अक्टूबर से हमारा डेमो क्लास स्टार्ट हो जाता है और 1 तारीख से हमारा प्रॉपर क्लास स्टार्ट होता है। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको सभी एडवांस क्लासेस होती है, जिसमें आपका देख सकते हैं इसके वाले डायग्राम का फुल आपको डायग्राम सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी बूट सिक्वेंस भी बताए जाते हैं और जिसमें आपको डेट शीट को चेक कैसे करते हो। इसमें हमने न्यू ऐड किया है वो है आपका MMC प्रोग्रामिंग, जो कि हम पहले MMC प्रोग्रामिंग आपका 8,000 रुपये में अलग से इसका कोर्स होता था, उसमें हमने आपका इसमें MMC प्लस UFS भी इसमें हमने ऐड किया है। और ये कंप्लीट कोर्स केवल आपका 6,000 रुपये का होने वाला है। इसकी जो डेट है वो आप 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन के अंदर। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे फोन में, तो साथियों हमने यहाँ पर बोर्ड को निकाल लिया और आप देखेंगे डिस्प्ले कनेक्टर को। डिस्प्ले कनेक्टर देखने में हमको सही लग रहा है, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पर कोई भी ट्रैक या कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं है, बाकी सभी कंपोनेंट अपनी जगह पर प्रॉपर सेट है। और इसके अलावा हम और भी जगह देख लेंगे कि यहीं पर कहीं इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं। और ये सेट आपका 64 GB का ये है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस साइट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का सील निकला हुआ है और इसका यहाँ पर जो सेक्शन है इसके जस्ट ऊपर, ये जो सेक्शन है यहाँ पर इसका लाइट सेक्शन ऊपर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लाइट सेक्शन इसका ऊपर दिया गया है, जबकि इस हैंडसेट में ग्राफिक्स बन रहा है, नए फोल्डर लगाने पर ग्राफिक्स हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका लाइट सेक्शन है और यहाँ से इसका सील्ड निकाला है। और देख सकते हैं सील्ड इस तरह से निकाला गया है। आप कभी भी सील्ड निकालते टाइम, हमारे YouTube पर कई सारी वीडियो हैं सील्ड को कैसे निकाले प्रॉपर, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो MMC के ऊपर जस्ट जो सेक्शन है वो लाइट सेक्शन है। और यहाँ पर देखेंगे तो लाइट सेक्शन के अंदर कभी अगर आप ऑन हैंडसेट के अंदर फोल्डर लगा देते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपका बूस्ट वोल्टेज वहां बनता है और फोल्डर जब आप फिटिंग करते हैं तो फोल्डर प्रॉपर तरीके से फिट ना होकर किसी दूसरी लाइन से उसका बूस्ट वोल्टेज का लाइन छिल जाता है, तो उस कंडीशन में टच होने पर हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये बूस्ट कॉइल है और इसके ये लाइट IC, ये हमारा फिल्टर के पीछे यहाँ पर जो डायोड है वो हमको फॉल्टी लग रहा है। यहाँ पर जो डायोड है वो आपका जल गया है। आप देखेंगे तो देखो डायोड हमारा जल गया है। ये साथियों इसलिए होता है कि जब आप चालू हैंडसेट पर ही कई सारे फोल्डर को चेक करते हैं तो कभी भी ध्यान दें, चालू हैंडसेट पर अगर आप फोल्डर चेक करते हैं तो वहां पर आप पूरी सप्लाई प्रॉपर बनी हुई होती हैं और जैसे आप दूसरा फोल्डर लगाते हैं तो वो प्रॉपर आपकी बूस्ट वोल्टेज की लाइन से ना अटैच होकर अगर कोई और लाइन अटैच हो जाता है तो सेट हमारा इस तरह से शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमारा BPH पावर का जो रीडिंग है वो क्लियर आ रहा है और ये हमारा डायोड के एक्सरे पर जो रीडिंग है वो भी हमारा 350 है। इसके सेकंड साइड देखेंगे तो समथिंग समथिंग हमारा जो डायोड है, जैसे एक अच्छा डायोड काम करता है उस हिसाब से इसका
सही, रीडिंग सही है यहाँ पर, ये सीरीज में लगा है और फिर भी ये काम कर रहा है, मतलब कि इसका जो सीरीज में वैल्यू जुड़ता है वो ऐड होके हमको यहाँ मिल रहा है, बट यहाँ पर ये जल गया है तो ये फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये डायोड आपका काम नहीं कर रहा होगा, जो हमको कैपेसिटर पे रीडिंग मिल रहा है वो शायद आईसी का मिल रहा हो, क्योंकि जब बूस्ट वोल्टेज हमारा बनता है तो वो हमारा आईसी के अंदर भी जाता है, तो फीडबैक के तौर पर ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस डायोड को निकालेंगे। तो कई भाइयों के कमेंट्स रहते हैं कि डायोड हम कौन सा लगाएं, तो डायोड आप यहाँ पर किसी भी लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी आईसी पेस्टेड है और आप किसी भी कंपोनेंट को निकाल रहे हैं, तो ध्यान देना होगा आपको कि आप यहाँ पर हीटिंग टेप का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका ईएमसी का जो पेस्ट है वो लूज हो जाएगा, तो फिर आपको ईएमसी को रिवॉल्व करना पड़ सकता है। हमारा हैंड स्किल है और इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें, आप प्रोटेक्शन के साथ काम करें। तो यहाँ पर हमको एक बार इसका बूस्ट कॉइल और हमें ये दोनों चेक करना होगा। ठीक है, बूस्ट कॉइल को चेक करने के लिए आप इसे हेनरी की मीटर से चेक कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो हम इसे ओम्स में भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी ये कॉइल है तो हम इस कॉइल को ओम्स में चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास हेनरी का मीटर नहीं है। अब हमको देखना होगा हमारा बूस्ट कॉइल खराब है कि नहीं, अगर हमारा बूस्ट कॉइल खराब होता है तो इसका जो हम ओम्स में जो इसका रीडिंग लेंगे, रेजिस्टेंस जो भी आएगा, हमारा जो अच्छा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 0.2 से लेकर कह सकते हैं 0.3 से लेकर आपका इससे ऊपर जितना भी रीडिंग आएगा मतलब हमारा बूस्ट कॉइल ओके माना जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 0.9 है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये बूस्ट कॉइल है वो ठीक है, ये बूस्ट कॉइल हमारा खराब नहीं है। ठीक है, अगर इसका जो रीडिंग है वो 0.2 आता तो हम कह सकते थे कि हमारा जो बूस्ट कॉइल है वो वीक हो गया या 3 आता समथिंग, हमारा ये बूस्ट कॉइल खराब नहीं है, बूस्ट कॉइल हमारा ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले एक डायोड को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बार डायोड से रीडिंग ले लेते हैं कि कहीं इसमें अभी शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने डायोड को निकाला है। ठीक है, तो डायोड को निकालने के बाद हम यहाँ का जीआर लेंगे जहां पर ये लाइंस कनेक्टिविटी में थी, तो देख सकते हैं डायोड हमारा देखो पूरी तरह से जल गया है और ये टूट गया है, मतलब कि डायोड हमारा कंप्लीटली खराब हो गया है। तो यहाँ पर हमको बीच पावर का जो रीडिंग आता है वो आ रहा है, इस साइड हमको रीडिंग आ रहा है, हमें कमेंट्स में बताएंगे कि बूस्ट कॉल के इस साइड तो बीपीएच पावर आता है और इसके सेकंड साइड हमको रीडिंग क्यों मिल रहा है, तो ये आपको कमेंट्स में बताना होगा हमको इस साइड रीडिंग हमको क्यों मिल रहा है। ठीक है, ये आपका सवाल है, आज का सवाल ये है आपका, रीडिंग क्यों मिल रहा है और ये रीडिंग कहाँ से आ रहा है। अब इसके यहाँ पर हमारा कॉइल है, अब हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारा कॉइल ठीक है, तो आप इस तरह से कॉइल को चेक कर सकते हैं। अब हमको आगे इसमें डायोड को लगाएंगे, तो यहां पर देख सकते हैं हमने एक कॉइल और हमारा एक डायोड ले लिया है। ठीक है, बाकी हमारा बूस्ट कॉइल ठीक है और जिस हमने स्क्रैप बोर्ड में से ये बूस्ट कॉइल और डायोड निकाला है, दोनों ही डायोड निकाल लिया हमने, बूस्ट कॉइल डायोड दोनों ही, क्योंकि हमको दोनों में कंपेयर करना है कि जो हमारा बूस्ट कॉइल ओके है कि नहीं। तो आपको दिखाने के लिए हम मीटर को फिर रखेंगे एक बार अपने ओम्स रेंज पे और दोनों कॉइल को चेक करेंगे। देखो कॉइल अगर दोनों ठीक होगा तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पुराना कॉइल है जिसका रीडिंग 0.8 आ रहा है, जो कि सही है। एक बार इस का भी जो कॉइल के अंदर वायर है देख सकते हैं, दोनों का सेम है, मतलब कि दोनों कॉइल के अंदर जो वायर है वो वायर का जो गुड हेल्थ है, इससे हम केवल ये समझ सकते हैं इसके अंदर जो वायर यूज किया है उस वायर का गुड हेल्थ है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर इसलिए किया है कि आप समझ सकें कि हमारा ये बूस्ट कॉल ओके है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर केवल डायोड ही फॉल्टी है, यहाँ पर बूस्ट कॉल का हमारा कोई भी बूस्ट कॉल में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पुराना वाला बूस्ट कॉल है और ये हमने स्क्रैप बोर्ड में से डायोड और बूस्ट कैप निकाला, ये दोनों है। तो आपको मालूम हो गया कि अगर हमारा बूस्ट कॉल ओके होता है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कई बार आप बूस्ट कॉइल को भी साथ में चेंज कर देते हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा बूस्ट कॉइल यहाँ पर ओके है। तो हम सबसे पहले एक बार इसका रीडिंग ले लेते हैं कि कभी कभी आपका ये वाला कैपेसिटर जो फिल्टर करता है बूस्ट वोल्टेज को वो शॉर्ट हो जाता है,
तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमको रीडिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो लाइन है वो आईसी से जुड़ा होता है। जैसे बूस्ट वोल्टेज बनता है तो हमारा ये आईसी के अंदर जाता है, तो इसीलिए ये रिवर्स वाइज आपका आईसी का रीडिंग हमको इस कैपेसिटर में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायोड को अटैच करेंगे, ठीक है। डायोड को अटैच करने के बाद फिर हम आगे चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन बनता है, कि अभी प्रॉब्लम हमें लाइट का दिखा है, तो सबसे पहले हमें लाइट का प्रॉब्लम को क्लियर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बूस्ट को लगा देते हैं, बाकी हमारा दोनों फील्ड ठीक है, हम कोई भी को लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक बार हमने जो कॉइल निकाला है हम उसी कॉइल को लगाएंगे जो स्क्रैप बोर्ड से लगाए, क्योंकि वो टेस्टेड भी है, क्योंकि उसमें अभी काम नहीं हुआ। और ये जो कॉइल हमने इसमें से निकाला बोर्ड में वो भी ठीक है। तो अगर आपके पास डायोड नहीं है तो आप इस तरह के बड़े डायोड को यूज कर सकते हैं। उसका एक जो सिरा है वो हमने अटैच किया है अपने बूस्ट कॉइल की साइड पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने अटैच किया वो बूस्ट कॉइल की तरफ अटैच किया है, जो कि आपका डायोड का प्लस पॉइंट इस साइड अटैच होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कहीं पर शॉर्टिंग ना हो। तो कभी भी आप काम करेंगे तो नीट एंड क्लीन करेंगे, साफ सफाई से काम करेंगे। तो एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ का रीडिंग देख सकते हैं आप, ये हीटिंग होने पर इसका विद्युत पावर का जीआर लो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो समथिंग, अब अगर देखो यहाँ पर डायोड का रीडिंग बढ़ गया, मतलब कि डायोड का रीडिंग यहाँ पर आपका एड हो गया है। देखो इस साइड आपका 25 समथिंग है और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 300 प्लस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डायोड का खुद का वैल्यू है वो इसमें ऐड हो गया, क्योंकि सीरीज में कोई भी कंपोनेंट ऐड होता है तो उसका वैल्यू भी उसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए हमको जीआर वहां पर बढ़ के मिल रहा है। जब हम यहाँ पर देखा आपने जीआर इतना है और सेकंड साइड हमको जीआर इतना है, तो इसका जम्पर हम लगाएंगे कैपेसिटर के सेकंड सिरे पर। जैसे अगर आप आगे देख रहे हैं तो आगे जो पॉइंट है उसी पॉइंट से हम आगे एक जम्पर लगा देंगे यहां से। अब यहां पर हम जम्पर को अटैच कर देंगे क्योंकि ये हमारा डायोड बड़ा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और आपको फाइनली चेक करना है कि डायोड मेरा ओके है कि नहीं, तो आप इस तरह से अपने डायोड को चेक कर सकते हैं कि लाइट का जो डायोड आपने लगाया है वो क्लियरली आपका काम कर रहा है कि नहीं। अगर डायोड के सेकंड सिरे पर अगर आपको रीडिंग ज्यादा नहीं मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि मेरा डायोड है वो खराब है और आप उस डायोड का यूज नहीं करें। तो आप यहाँ पर डायोड लगा सकते हैं, किसी भी लाइट सेक्शन से निकालकर आप डायोड को लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हमने यहाँ पर एक जम्पर वायर लिया है, जम्पर वायर को यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसका जम्पर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जम्पर लगाया, जम्पर को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर जम्पर लग गया है और आप बिल्कुल ही सेफ तरीके से, मतलब कि आप बिल्कुल कम प्रेशर से आप यहाँ पर अपने जंपर वायर को काट सकते हैं। तो यहाँ पर जंपर वायर हमने कट कर दिया है, जंपर वायर कट हो गया, देख सकते हैं क्लियर। तो हम एक बार इसका रीडिंग लेंगे। देखो कभी ऐसा होता है कि शॉर्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो हीट होने पर ओ मालूम हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे जीआर क्लियर है हमारा, यहाँ पर जीआर बढ़ के मिलना चाहिए, जीआर बढ़ के मिल रहा है, डायोड भी क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए, तो यहाँ भी रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड है और इस साइड रीडिंग मिल रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ तक जो कंप्लीट हो चुका है सर्किट, एक बार हम इसके एनोड पॉइंट पर भी चेक कर लेंगे कि हमारा एनोड पॉइंट पर रीडिंग क्या आ रहा है। तो हमारे एनोड पॉइंट पर रीडिंग हमको मिलना चाहिए सेम, तो मतलब कि यहाँ भी एनोड पॉइंट तक रीडिंग हमको मिल गया है। इसका मतलब कि हमारा जो लाइट का लाइन है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब एक बार हम सेट को चालू करके चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर सब कुछ सेट किया है और बैटरी लो है, चालू कर लिया, बैटरी लो था। हमने एक बार लगाते हैं चार्जर और चेक करेंगे। तो यहाँ पर नया फोल्डर लगाया है, तो यहाँ पर एक बार देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर रेडमी का लोगो आ गया है, तो मतलब लाइट भी आ गया, ग्राफिक्स तो पहले से ओके था इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से चालू हैंडसेट में फोल्डर लगा देते हैं तो आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होगा और आप समझ पाएंगे कि अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आता है या लाइट से संबंधित नॉट नाइन में फॉल्ट आता है तो आप उसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बाकी पुराना फोल्डर भी इसका ओके था।